हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार, आप देख रहे हैं युवा का पॉइंट। रणवीर सिंह की फिल्म सिम्बा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित होने के बाद 2019 में रणवीर सिंह ने शानदार आगमन कर लिया है। दोस्तों, 2019 की शुरुआत में ही गली बॉय का पोस्टर रिलीज हो चुके हैं। फर्स्ट लुक जो है गली बॉय का आ चुका है। जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय से पहली बार रणवीर सिंह और आलिया भट्ट बड़े स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे। दोस्तों, वैलेंटाइंस डे के मौके पर 14 फरवरी को ये फिल्म रिलीज होगी। देखना दिलचस्प रहेगा इन दोनों का रोमांस, युवाओं को यूथ को कितना भाता है। दोस्तों, जहां तक जानकारी मिली है कि ये फिल्म में रणवीर सिंह रैपर बनने वाले हैं और आलिया भट्ट एक मुस्लिम लड़की के किरदार में इस फिल्म के पोस्टर में हमें दिखने को मिल रही है। दोस्तों, इस फिल्म के पोस्टर के ऊपर एक टैगलाइन लिखी गई है, अपना टाइम आएगा। जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ, अपना टाइम आएगा इस टैगलाइन को लेकर कि ये फिल्म एक स्ट्रगलर की हो सकती है, क्योंकि अपना टाइम आएगा ऐसी चीज़ें स्ट्रगलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा जचती है। दोस्तों, रणवीर सिंह और आलिया भट्ट इन दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये टेक्स्ट किया पोस्टर के नीचे, द वॉइस ऑफ स्ट्रीट्स। अब देखना दिलचस्प रहेगा, ये दोनों चीज़ें को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। देखना दिलचस्प रहेगा इस फिल्म के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, इस फिल्म की कहानी पर बनी हुई है और क्या ये फिल्म कुछ अलग कर पाएगी। 14 फरवरी को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है वैलेंटाइंस डे के मौके पर। यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि इस फिल्म के अंदर रोमांस के अलावा कुछ और नहीं होगा, क्योंकि 14 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बॉलीवुड की फिल्म में कुछ अलग करना चाहिए बॉलीवुड की फिल्मों को, क्योंकि जो ऑडियंस है वो बहुत बड़ी है और जो लोग पसंद करते हैं बॉलीवुड को वो भी बहुत ज़्यादा है, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर मुझे लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए और मुझे बहुत उम्मीद है सिम्बा देखने के बाद गली बॉय से। तो आपको क्या लगता है गली बॉय से, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए।